तेको पता है जब मैं इस हॉस्टल में पहली बार आया था ना, हमारे बाथरूम में सिर्फ एक ही मग्गा हुआ करता था। मैं मार्केट जाके एक और नया मग्गा लेके आया स्पेशली अपने लिए नहाने के लिए। नेक्स्ट डे सिद्धार्थ ने मेरे नहाने वाले मग्गे से अपनी पॉटी धोई। मैंने सिद्धार्थ से डिस्कस किया, वो बोलता आई एम सो सॉरी मैन आई फॉरगॉट। मैं पूरा दो दिन नल के नीचे बैठ के एडजस्ट करके नहाया। मैंने बोला कोई बात नहीं सिद्धार्थ फॉरगॉट नो प्रॉब्लम। मैं नेक्स्ट डे फिर से मार्केट जाके दो नए मग्गे लेके आया, इस बार पिंक एंड ब्लू। पी फॉर पिंक, पी फॉर पॉटी, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बाथ, नो कंफ्यूजन राइट। नेक्स्ट डे सिद्धार्थ ने फिर से मेरे नहाने वाले मग्गे से अपनी पॉटी धोई। मैंने फिर से सिद्धार्थ से डिस्कस किया, वो था आई एम सो सॉरी मैन आई गॉट कंफ्यूज अगेन। मैंने अपने दूसरे फ्रेंड से डिस्कस किया, वो था तू यहां पढ़ने आया कि लंड। मैंने बोला उसकी बात भी ठीक है, मैं यहां पढ़ने आया हूं लड़ने नहीं, ठीक है नो प्रॉब्लम। मैं नेक्स्ट डे फिर से मार्केट जाके इस बार बाल्टी एंड लोटा लेके आया स्पेशली अपने लिए नहाने के लिए। नेक्स्ट डे वो लोटा मुझे सिद्धार्थ की पॉटी के पास मिला। आई मीन छी सिद्धार्थ छी, अगर तेको नहा रहा है तो पॉटी के मग्गे से ना, तेको नहा रहा है तो पॉटी के बाल्टी से ना, मेरी बला से तो पॉटी के पानी से ना, पर मैं तेरे पॉटी के मग्गे से क्यों नहाऊं?